जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश खोजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ के अंदर जिन जवानों का रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक में सिलेक्शन हो गया है, उन जवानों को ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या मेडिकल द्वारा लिया जाएगा, कब तक ज्वाइनिंग आएगी, ज्वाइनिंग आने से पहले पहले क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं भविष्य में कोई भी वीडियो पोस्ट करूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जिन जवानों का रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक में सिलेक्शन हुआ है, उन सभी को तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा। तो दोस्तों, अगर हम मेडिकल की बात करें, आपका जब मेडिकल हुआ था उस टाइम से लेके और अगर ज्वाइनिंग के टाइम में आपका लंबा टाइम हो जाता है, यानी कि आपको ये साल दो साल लेकर जैसे एसएससी जीडी के अंदर होता है कि लंबे टाइम में ज्वाइनिंग मिलती है, तो उस प्रकार के सिचुएशन के अंदर तो मेडिकल दोबारा होता है। लेकिन अगर आपको 6-7 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग अगर आ जाती है तो री मेडिकल आपका नहीं होता है। नॉर्मली बेसिकली मेडिकल आपको नॉर्मली आपको चेक किया जाएगा, आपका पूरा मेडिकल नहीं होगा। अगर आपका ज्वाइनिंग में लंबा टाइम खींच जाता है तभी री मेडिकल होता है। और अगर आप कभी दोबारा मेडिकल करेंगे, अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे हमारे एक रिलेटिव थे, उन्होंने एसएससी जीडी के थ्रू उनका ज्वाइनिंग आ गया था, लेकिन उन्होंने जब मेडिकल से ज्वाइनिंग के बीच में उनकी पैर की उंगली कट गई थी एक्सीडेंट के अंदर, तो उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया, उनको निकाल दिया गया था। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तब तो अलग बात है, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो आपको अगर री मेडिकल भी होता है तो भी आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। और मैं भगवान से तो यही दुआ करूँगा कि जल्द से जल्द आपकी ज्वाइनिंग आ जाए और आप ज्वाइन कर लें। लेकिन और आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहूँगा कि जो ज्वाइनिंग का समय आपका आने वाला है और आपका सिलेक्शन हो गया है, इस बीच का जो पीरियड होता है ये बहुत सेंसिटिव पीरियड है। इस पीरियड के दौरान आप अनावश्यक मूवमेंट से बचें, कि जैसे बाइक निकाला, घर से बाहर चले गए, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, रात देर रात तक बाइक वाइक चला रहे हैं, कहीं गिर भी गए, चोट वोट लग जाती है, तो आपका एक भविष्य बना बनाया आपका भविष्य बिगड़ जाएगा। और एक अच्छी पोस्ट के ऊपर आपको जॉब मिली है, जो आपने मेहनत की उसका आपको फल मिला है, उस फल को बेकार नहीं जाने देना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, हर प्रकार से अभी बीमारी चल रही है इससे बच के रहना है, इसके अलावा अपने चोट वोट भी नहीं खानी है, उससे बच के रहना है। अगर अब हम ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग अभी सबको पता है कि कोरोना बीमारी चल रही है, इसकी वजह से आपकी ज्वाइनिंग थोड़ी लेट चल रही है, नहीं तो आपकी ज्वाइनिंग अभी तक आ जानी चाहिए थी। फिर भी गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है सभी गृह मंत्रालय के अंडर काम करती हैं, जब गृह मंत्रालय से इनको परमिशन मिलेगी तो इन आपकी ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। जब तक कोरोना कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपकी ज्वाइनिंग पे थोड़ा असर रहेगा, ज्वाइनिंग आपकी लेट भी हो सकती है और या जल्दी भी आ सकती है। तो ये तो बात होगी ज्वाइनिंग की, कि ज्वाइनिंग का भी कोई कन्फर्म नहीं कि कब तक ज्वाइनिंग दे दी जाए, जैसे कोरोना पे कंट्रोल होगा तो शायद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये देख छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।